नमस्कार, मैं राजू सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। रमजान के चलते 12वीं शब में कुरान मजीद पूरा होने पर देश में भाईचारगी और अमन के लिए दुआ कराई गई। पुरानी दिल्ली की आजाद मार्केट में गत दिनों खाल गोदाम वाली मस्जिद में रमजान के पवित्र महीने में तरावी की नमाज का इंतजाम किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के मौलाना ने रमजान की 12वीं शब में कुरान मजीद पूरा किया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 200 लोगों ने उनके पीछे कुरान पाक सुना। रमजान की 12वीं रात में कुरान मस्जिद पूरा होने पर दुआ की गई, जिसमें इलाके के काफ़ी लोग शामिल हुए और इस मौके पर देश में अमन शांति के लिए भी दुआ की गई। ये मस्जिद लगभग 50 साल पुरानी है और इस मस्जिद के इंतजामिया कमेटी अपने तौर पर मस्जिद की देखरेख करती आई है। किया जाता है, कब से किया जा रहा है, मस्जिद कितनी पुरानी है? मस्जिद तो करीबन 150-200 साल पुरानी है और तरावियों का जो बड़ा प्रोग्राम करा है पहली बार किया गया, क्योंकि पहले मस्जिद की देख रेख ठीक नहीं हो रही थी। मस्जिद कमेटी की नई कमेटी बनी है, उस नई कमेटी ने चेयरमैन किया और तरावी काफी बड़ी तरह में प्रोग्राम किया। तो क्या ये मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड के माध्यम से काम करती है, इसकी कोई अपनी कमेटी है? अपनी कमेटी है, पर्सनल कमेटी है, पर्सनल कमेटी इसकी देख रेख करती है। पर्सनल कमेटी इसका जो है ना, सब वो इमाम का खर्चा, मौजम का खर्चा, बिजली का, पानी का, पर्सनल यही होती है। मस्जिद में मस्जिद के अंदर नमाज के अलावा क्या होती है? तो तालीम भी दी जाती है? नहीं, अब उर्दू तालीम वगैरह के लिए और प्राइवेट ट्यूशन देने के लिए वहाँ अरेंजमेंट किया जाएगा, क्योंकि मस्जिद के भी काफी इसमें काम वाम भी होना है। इसको 4 मंजिल बनाने की है कि 4 मंजिल इसको मस्जिद को बनाया जाए बहुत खूबसूरत तरीके, ताकि यहाँ पे दीनी तालीम भी हो और दुनिया तालीम भी हो और आसपास के बच्चे जो गरीबों के बच्चे हैं उनको फ्री पढ़ाया जाए। मस्जिद की कमेटी में आपका क्या होगा और कब से आप इस कमेटी को देख रहे हैं? इस मस्जिद कमेटी का तो अहदा मेरे को अभी दिया गया है, मेरे को इसका सदर बनाया गया है और बाकी और लोग हमारे साथ हैं, सब लोग हैं हमारे साथ, तो उसको सदर मेरे को बनाया गया ताकि मस्जिद की देख रेख भी हो सके और बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाया भी जाए, ट्यूशन भी पढ़ाया जाए और दुनिया भी पढ़ाई बनाई जाए। होने पर तुमने इसमें दुआ की गई है, दुआ के अंदर देश के लिए क्या, देश की एकता के लिए? हम लोगों ने जो है सबसे पहले अपने इस्लाम वालों की दुआ करी है कि इस्लाम वालों के अंदर कोई हर आदमी अपनी परेशानी से दूर रहे और अमन और शांति रहे, भाईचारा रहे। इस देश की जो गंगा जमुना की तहजीब है, हिंदू मुसलमानों में प्यार रहे और इस देश में किसी दुश्मन की नजर न लगे और देश हमारा बुलंदियों पर जाए, देश हमारा अमरीका से आगे जाए और देश के अंदर इस्तेफाक और भाईचारा, हिंदू मुसलमानों के लिए भाईचारा बना हुआ है वो बरकरार रहे। सबसे ज्यादा हमने दुआ देश की मिली, इस भाईचारा समिति बनी हुई पिछले 30 साल से, उसके अंदर हिंदू मुसलमान, प्रधान चमन लाल, सरदार मोहन सिंह, काफी लोग हम लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग हम मिलजुल के अरेंजमेंट करते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले देश है, सब कुछ बाद में। अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे और देश में खुदा ना खास्ता कोई देखी नहीं की बदली होती है, कोई परेशानी होती है तो हम क्या करेंगे? देश रहेगा सबसे पहले अपना देश है। कुरान शरीफ भी बताता है, इस्लाम भी बताता है कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश के लिए हमेशा दुआ करो और उसके साथ वफा करिए। और जो देश के लिए हित के लिए बेहतर हो और जो भाईचारे की बात करने वाला हो वो पार्टी चुनाव में जीते, जो अपने मुफाद की बात करता हो, देश की बात नहीं करता हो, ऊपर वाला उसको हरवा दे। जो देश की बात करे चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, पहले देश की जो बात करता है, देश की वफादारी करता है, देश के साथ हम लोग के साथ मतलब वफादारी रहता है, भाईचारे को मजबूत करता है, अल्लाह पाक उसको जिता है। चाहे भोपाल हो, जिसने महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवाया, अपनी कुर्बानियां दी है और उसको अगर ये किया जाए उसके कातिल को कि वो एक मतलब जो देशभक्त है, देशभक्त है, देशभक्त रहेंगे, गलत है, उन्होंने गलती करी, बहुत बड़ी गलती करी। इससे क्या होता है, आतंकवादियों को, क्रिमिनलों को बढ़ावा मिलता है। हमें जबकि उसकी मुखालिफत कामयाबी नहीं, हिन्दुस्तान के लोग बहुत समझदार हैं, भोपाल के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोगों को नजरअंदाज करेंगे, जो देशभक्त लोग हैं उन्हीं को चुनेंगे। पेश है दिल्ली से इरफान खान की खास रिपोर्ट।